दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टिहरी जिले को जो है MCQs की फॉर्म में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है उसमें यदि आपने अभी तक अन्य वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उत्तराखंड जिला सीरीज़ की सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भागीरथी व बिलंगना नदियों के संगम पर स्थित टिहरी नगर कब टिहरी डैम में विलीन हो गया था? तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि जो टिहरी डैम में जो भागीरथी और बिलंगना नदियों के संगम पर जो टिहरी नगर बसा है वो कब टिहरी डैम में विलीन हुआ था? तो सही आंसर होगा 29 अक्टूबर 2005। ऑप्शन नंबर बी, 29 अक्टूबर 2005 इसका सही आंसर होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टिहरी नगर की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों, 28 दिसंबर 1815 को जो है टिहरी जनपद का गठन हुआ था। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है दोस्तों कि 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद बना था। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी गढ़वाल क्या बना था? पृथक जनपद बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुदर्शन शाह द्वारा राजधानी के रूप में टिहरी की नींव कब रखी गई थी? तो जैसा कि आपको अभी बताया था हमने, सुदर्शन शाह द्वारा जो है राजधानी के रूप में टिहरी की जो नींव है दोस्तों वो रखी गई थी 28 दिसंबर 1815 में। और नींव किसके द्वारा रखी गई थी ये भी आपको याद रखना है, तो सुदर्शन शाह के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर कौन सा कुंड स्थित है? ब्रह्मकुंड, वशिष्ठ कुंड, जराल कुंड या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्षेत्र में कभी कौवे नहीं दिखाई देते? धनोल्टी, बूढ़ा केदार, देवप्रयाग या चंबा? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि जो देवप्रयाग है इस क्षेत्र में जो है कभी कौवे नहीं दिखाई देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन क्षेत्र या तीर्थ किसे कहा जाता है? तो सुदर्शन क्षेत्र किसे कहा जाता है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त दोनों, यानी कि देवप्रयाग और इंद्रप्रयाग दोनों को जो है सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवेंद्र शाह ने 60वें राजा के रूप में टिहरी की गद्दी कब संभाली थी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानवेंद्र शाह द्वारा जो है 60वें राजा के रूप में टिहरी की गद्दी कब संभाली गई थी? तो आंसर क्या होगा? 5 अक्टूबर 1946 को। 5 अक्टूबर 1946 को जो है मानवेंद्र शाह ने 60वें राजा के रूप में टिहरी की गद्दी संभाली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई टिहरी को बसाने के लिए किस गांव को चुना गया था? ऑप्शन है घनसाली, जौनपुर, बोराड़ी या सुमन चौक? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? बोराड़ी। बोराड़ी में जो है, बोराड़ी नामक गांव में जो है नई टिहरी को बसाया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ 1902 में किसके सहयोग से जापान सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो दोस्तों आपको बता दूँ, जो स्वामी रामतीर्थ है वर्ष 1902 में जो है किसके सहयोग से गए थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के सहयोग से जो है दोस्तों स्वामी रामतीर्थ 1902 में जापान में गए थे सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर एक प्राकृतिक संयंत्र स्थापित है? तो दोस्तों प्राकृतिक संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? चंद्रबदनी मंदिर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबदनी मंदिर में जो है एक प्राकृतिक संयंत्र स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरेंद्र नगर के घने जंगलों में टिहरी नरेश का महल स्थित है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नरेंद्र नगर में जो है जो टिहरी नरेश का जो महल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आनंद स्पा नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे आनंद स्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी का नाम धनुवंती किसमें कहा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो टिहरी का नाम है वो धनुवंती किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में या अभिज्ञान संगुतलम में या स्कंद पुराण में या उपनिषद में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रकूट पर्वत पर कौन सा मंदिर है? चंद्रबदनी। जो चंद्रबदनी मंदिर है दोस्तों ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है जो कि टिहरी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी पर स्थित कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो भागीरथी नदी पर जो कोटेश्वर बांध है, कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना वो कितने मेगावाट की है?
सही आंसर हो जाएगा 400 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए 400 मेगावाट। अगला प्रश्न, रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर किस शासक का नाम अंकित है? तो दोस्तों रघुनाथ मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उस पर किस शासक का नाम अंकित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह के जो है दोस्तों इसमें क्या है, रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो है किस शासक का नाम अंकित है? तो पृथ्वीपति शाह का नाम अंकित है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भुवनेश्वरी पीठ स्कंद पुराण में किस मंदिर को कहा गया है? तो सही जवाब होगा चंद्रबदनी मंदिर। चंद्रबदनी मंदिर को जो है स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा टिहरी में नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास वामन गुफा, विश्वनाथ गुफा, वशिष्ठ गुफा या व्यास गुफा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? व्यास गुफा। व्यास गुफा जो है टिहरी में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना कि जो बूढ़ा केदार है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है। सही जवाब होगा बाल गंगा एवं धर्मगंगा। बाल गंगा एवं धर्मगंगा जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। बूढ़ा केदार की नदियों के संगम पर है, बाल गंगा एवं धर्मगंगा नदियों के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर को कब ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? तो दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? 2017 में। 2017 में जो है दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल टिहरी जिले में नहीं है? जौराई, खारसोली, चौफिट या पवाली कांठा। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चौफिट। चौफिट बुग्याल जो है टिहरी जनपद में नहीं है। इसके अतिरिक्त जौराही, खारसौली और पवाली कांठा, ये तीनों कहाँ पड़ते हैं? टिहरी जनपद में पड़ते हैं। और दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर डी है पवाली कांठा, ये आपका उत्तरकाशी और टिहरी जनपद के सीमा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकलौता सिद्धपीठ कौन सा है जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुरकंडा देवी। सुरकंडा देवी में जो है गंगा दशहरे के दिन जो है विशाल मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी का पृथक जनपद के रूप में कब गठन हुआ था? तो दोस्तों पृथक जनपद के रूप में जैसे कि हमने आपको भी बताया था, 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी का पृथक जनपद के रूप में गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ताल या झील टिहरी में स्थित नहीं है? मासर ताल, जराल ताल, मजार ताल या दिदूरी ताल। तो आंसर क्या होगा? दिदूरी ताल। दिदूरी ताल जो है टिहरी जनपद में स्थित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, मेद गंगा व दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों याद रखना है मेद गंगा व दूध गंगा जो है बिलंगना की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? बिलंगना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? मेद गंगा और दूध गंगा। अगला प्रश्न है, मुनि की रेती किस नदी तट पर स्थित है? तो दोस्तों मुनि की रेती जो है चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रभागा नदी के तट पर क्या स्थित है? मुनि की रेती स्थित है। याद रखेंगे मुनि की रेती कहाँ स्थित है? चंद्रभागा नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी जिले का एकमात्र औद्योगिक आस्थान कौन सा है? प्रताप नगर, खासपट्टी, जौनपुर या डालावाला नगर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डालावाला नगर। ऑप्शन नंबर डी, डालावाला नगर आपको याद रखना है दोस्तों, जो कि टिहरी जिले का एकमात्र औद्योगिक आस्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी में स्थित व्यासी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों व्यासी किसके लिए प्रसिद्ध है जो कि टिहरी में स्थित है? रिवर राफ्टिंग के लिए। रिवर राफ्टिंग के लिए जो क्या प्रसिद्ध है? व्यासी प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र नगर में स्थित राजकीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेंद्र नगर में राजकीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की जो शुरुआत है वो हुई थी 1 मई 2011 को। तो 1 मई 2011 यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ओड़ा ओड़ा थली किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों ओड़ा थली किसका प्राचीन नाम है? नरेंद्र नगर का। नरेंद्र नगर का यदि प्राचीन नाम पूछा जाए तो ओड़ा गिली होगा, ओड़ा ओड़ा थली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी पर प्रसिद्ध सांस्कृतिक मौन मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है,
तो जो मौन मेला है वो लगता है अलगाड़ नदी पर। कहाँ पर लगता है? अलगाड़ नदी। ऑप्शन नंबर डी अलगाड़ नदी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस नदी घाटी पर रानी कर्णावती ने मुगल सेना से लोहा लिया था? थत्यूड़ नदी, हेवल नदी, मेदगंगा या जलकूर नदी? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हेवल नदी। ऑप्शन नंबर बी हेवल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी के सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन सत्य प्रकाश रतोड़ी द्वारा कब किया गया था? तो दोस्तों बाल सभा का गठन सत्य प्रकाश रतोड़ी द्वारा कब किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935। यदि पूछा जाए कि टिहरी के सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो आंसर होगा सत्य प्रकाश रतोड़ी। और यदि पूछा जाए कब किया गया था, तो आंसर होगा 1935। दोनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में प्रथम बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह द्वारा जो है टिहरी में बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1920 में, वर्ष 1920 में जो है टिहरी में प्रथम बैंक की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? नरेंद्र शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ताल के पास से दूध गंगा निकलती है? अप्सरा ताल, यम ताल, मंसूर ताल या सहस्त्र ताल? तो दोस्तों दूध गंगा कहाँ से निकलती है? मंसूर ताल से। ऑप्शन नंबर सी मंसूर ताल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गुफा टिहरी में स्थित नहीं है? विश्वनाथ गुफा, शंकर गुफा, गर्भजोन गुफा या गोरखनाथ गुफा? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? गोरखनाथ गुफा, जो कि टिहरी में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वामी मन्मथन द्वारा चंद्रबली मंदिर में पशुबलि प्रथा समाप्त कब की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1969 में। अगला प्रश्न, पवाली कांठा केदार यात्रा जो टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक की जाती है कितने किलोमीटर की यात्रा है? तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना जो पवाली कांठा जो केदार यात्रा है वो कितने किलोमीटर की यात्रा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 29 किलोमीटर की यात्रा। कितने किलोमीटर की है दोस्तों? 29 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना चक्रधर जोशी द्वारा कब की गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय नक्षत्र जो वेधशाला है जिसकी स्थापना चक्रधर जोशी द्वारा की गई थी तो कब की गई थी? आंसर होगा 1946, 1946। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी में सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल द्वारा कब की गई थी? दोस्तों सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना किसने की थी? भवानी दत्त उनियाल द्वारा की गई थी। और यदि पूछा जाए कि कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1917। 1917 में जो है टिहरी में सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भवानी दत्त उनियाल के द्वारा की गई थी। और यदि पूछा गया कि सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल ने कब की थी, तो 1917 में की थी। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना अंजलि सेन टिहरी में कब की गई? तो दोस्तों भुवनेश्वरी जो महिला आश्रम है अंजलि सेन में स्थापित है, तो ये इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 1977 में, 1977 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध निर्माण हेतु रूस से कब समझौता हुआ था? तो दोस्तों टिहरी बांध निर्माण के लिए जो है भारत का जो है रूस से समझौता हुआ था, तो हमें बताना है कि कब हुआ था समझौता। तो आंसर क्या होगा? 1986 यानी कि 1986 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों टिहरी वन विभाग की जो स्थापना है 1885 में हुई थी। तो टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1885। ऑप्शन नंबर ए 1885 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पांच सड़कों वाला चौराहा किस जनपद में स्थित है? पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर या टिहरी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा टिहरी। पांच जनपद सड़कों वाला जो चौराहा है वो किस जनपद में है? टिहरी जनपद में है। अगला प्रश्न है, टिहरी जनपद में जन्मे लीलाधर जगुड़ी की पुस्तक जितने लोग उतने प्रेम के लिए उन्हें कब व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों लीलाधर जो जगुड़ी है उन्हें व्यास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 2018 में, 2018 में जो है इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और किसके लिए किया गया था? जितने लोग उतने प्रेम, जो इनकी जो रचना है इनके लिए जो इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था 2018 में। अगला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठा
के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा 1910 में लिखित गढ़वाल का इतिहास कृति किस वर्ष प्रकाशित की गई? तो दोस्तों हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा जो गढ़वाल का इतिहास लिखा गया था 1910 में, तो ये प्रकाशित कब हुआ था? सही जवाब होगा 1928। 1928 में जो है दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1928। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों श्रीदेव सुमन जी का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 मई 1916 को। 25 मई 1916 को जो है श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रमणि बडोनी का जन्म कब हुआ? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रमणि बडोनी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 24 दिसंबर 1924, 28 दिसंबर 1924, या 30 दिसंबर 1924, या 15 दिसंबर 1924। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।